एक छात्र 11वीं कक्षा में प्रवेश नहीं मिलने पर इतना नाराज हो गया कि 4 मंजिला इमारत की छत पर चढ़ गया और मुंडेर पर बैठकर नीचे कूदने की धमकी देने लगा। पुलिस की टीम समझाकर उतारने की कोशिश कर रही थी कि छात्र ने 4थी मंजिल से छलांग लगा दी और नीचे खड़े SI पर जा गिरा, जिससे SI और छात्र दोनों ही घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। छात्र और SI का हालचाल जानने के लिए हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा अस्पताल पहुंचे। 10वीं पास करने के बाद भी 11वीं कक्षा में प्रवेश नहीं दे रहे स्कूल प्रबंधन से नाराज कोलार इलाके का एक छात्र 4 मंजिला इमारत की छत पर चढ़ गया और मुंडेर पर बैठकर नीचे कूदने की धमकी देने लगा। सूचना मिलने पर कोलार थाने से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छात्र को समझा बुझा कर नीचे उतारने की कोशिश करने लगी। इस बीच 2 आरक्षकों ने छत पर पहुंचकर छात्र को बचाने का प्रयास भी किया। पुलिस वालों को अपने करीब आता देख छात्र ने छत से छलांग लगा दी और नीचे खड़े SI जय कुमार सिंह के ऊपर गिर गया, जिससे SI को कंधे और हाथ में चोट आई। छात्र को भी मामूली चोटें आई हैं। दोनों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोलार में रोजमेरी स्कूल के पास की ये घटना बताई जा रही है। वही स्कूल प्रचार नेहा अर्धवर्य ने बताया कि ऋषभ साल भर से स्कूल नहीं आया है। शाहपुरा थाना परिसर के मंदिर में दान पेटी को चुराने के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद वो अब बाहर आया है और स्कूल आकर धमकियां और गालियां देता है। इस कारण छात्र और शिक्षक उसे प्रवेश देने को लेकर आपत्ति ले रहे थे। गुरुवार को भी वो स्कूल आया और धमकियां देकर गाली गलौज करने लगा। कुछ देर में वो स्कूल की पड़ोस की बिल्डिंग पर जाकर चढ़ गया। आपको बता दें कि DK3 दानिश कुंज कोलार रोड निवासी 18 वर्षीय ऋषभ भट्ट कोलार रोड स्थित रोजमेरी स्कूल में पढ़ता है। वो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करके 11वीं में आया है। उसे स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। छात्र और SI का हालचाल जानने के लिए हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा भी अस्पताल पहुंचे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।